नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। फाइनली दोस्तों, हमने कुछ प्रोडक्ट मंगाया। आज हम लोग अपने लैपटॉप के अंदर जो ये रखा हुआ है, आसूस का A15 है, ये टफ सीरीज का लैपटॉप, ठीक है। तो मैंने सोचा इसको फाइनली कुछ अपग्रेडेशन की जाए। तो आज एक तो हार्ड डिस्क मैं इसके ऊपर लगाने वाला हूँ, ठीक है, और एक ये रैम अपग्रेड करने वाला हूँ 8 GB की। 8 GB की पहले से इस लैपटॉप के अंदर लगी हुई है, और बाकी जी स्किल की तरफ से मैंने मंगाई है एक ये एक और रैम यहाँ पर, जी स्किल करके। हाँ बिल्कुल, यही कंपनी का नाम है, आपने बहुत सुना भी होगा इसका नाम। और मुझे काफ़ी अफोर्डेबल दाम में ये करीबन 3,000 रुपये की मेरे को पड़ी है अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो, ठीक है, मतलब 3,000 की भी नहीं पड़ी है, थोड़ी और कम पड़ी है, ठीक है। सो अभी फिलहाल इसका 4,000 प्राइस है, और मतलब बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने पढ़े कि ये 4,000 जो या 5,000 की जो रैम आती है जो और कंपनियां दे रही है, ये वो जो है काफ़ी सस्ते में प्रोवाइड कर रहा है। तो देखना रहेगा यार कि कैसे इसके, मतलब लोगों ने 6-6 महीने बाद भी रिव्यू किया और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी बताई है। बाकी इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल करके दे दूंगा, और इसका परचेस लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे ओल्ड लैपटॉप में से जो हार्ड डिस्क लगी हुई थी मैंने वो निकाल ली है, और ये हार्ड डिस्क और प्लस और ये रैम दोनों आज अपग्रेड करेंगे। 8 GB से 16 GB प्लस 1 TB की हार्ड डिस्क लगाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक SSD लग करके आई थी 500 GB की, जो कि दोस्तों यहाँ पर NVMe स्लॉट के अंदर लगी हुई थी। तो चलिए खोलते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से इसको अपग्रेड किया जाता है। और पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर है, सबसे पहले सब्सक्राइब। तो गाइस सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको जो यहाँ पर अनबॉक्स कर लेते हैं, और एड्रेस दिखाऊंगा नहीं भाई, सॉरी। अगर आपको लेना है तो इसका आप अमेजोन से, मैं इसका परचेस लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर के आप चेकआउट कर लेना। और काफी इजीली मैंने इसको निकाल लिया है, बॉक्स साइड में करते हैं, और बिल में यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कितने रुपये का। तो ये रही जी स्किल्स की RIP करके है, जॉब्स पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है, ब्लैक कलर में आई है, काफ़ी क्यूट सी लग रही है। चलिए अभी देखते हैं इसको, ये देख सकते हो 3,070 रुपीज़ का जो है मेरे को यहाँ पर बिल बना था शिपिंग चार्जेस के साथ में। सो, अभी हम चलते हैं यहाँ पर इसको अनबॉक्स क्या करना है डायरेक्टली। मैं पहले लैपटॉप को खोलता हूँ, उसके बाद इस रैम को भी हम लोग खोलेंगे, ठीक है। मेरे पास एक नकली सा ये टूल बॉक्स था, जिसके अंदर सारे यहाँ पर टूल बॉक्स अभी मतलब इसके जो उसके लिए लगेगा वो मेरे पास है नहीं। सो फटाफट से पहले मैं इसको ढूंढता हूँ कहाँ पर मैंने रखा है। बड़ी मशक्कत के बाद दोस्तों मुझे ये एक टूल मिला, और इसी से हमें खोलना पड़ेगा इसे, क्योंकि मेरे पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने टूल, मुझे याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है अभी। सो इससे खुल जाएगा, तो मैं इसी से खोल देता हूँ यहाँ पर फिलहाल। ये लूज़ है पहले से यार, एक नट यहाँ पर ये लूज़ मुझे दिखा भी। बाकी 32 GB तक सपोर्ट करता है गाइस, सो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पर 16-16 की दो स्टिक आप लगा सकते हैं, एक 8 की पहले से लगी है, एक 8 की मैं अब लगा रहा हूँ, तो ये कुल जो है मेरी अभी 16 GB हो जाएगी। एक और स्क्रू जो यहाँ पर फ्री है, तो लेट्स सी मैं इसको कैसे निकालूं, बड़ी मशक्कत से निकला है। ये ध्यान रखना दोस्तों, जो छोटा पेच है, जैसे कि ये छोटा है इसमें एक अलग से, और ये यहाँ पे लगा हुआ था, तो ये याद रखना पड़ेगा मुझे। एक छोटा पेज भी इसमें मिला है हमें, और भी मुझे लगते हैं आगे के सारे छोटे ही होने वाले हैं। अभी तक मुझे और कोई छोटा यहाँ पर नहीं मिला था, दोनों कोने के छोटे छोटे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और सेंटर में एक और भी है, ध्यान रखना सेंटर में एक और मिल जाएगा आपको। सो अब इसको खोलने का हम लिफ्ट करने का ट्राई करते हैं। इस तरीके की कोई चीज़ होना पिक वगैरह ये एक है, ठीक है, तो इससे काफ़ी ईजी हो जाएगा आपका काम करना, तो ये खोलने में काफ़ी ईजी हेल्प कर लेगा आपकी। तो मैंने आगे से खोल लिया इसको, साइड से भी मैं खोल लेता हूँ इसी तरीके से। सो काफ़ी इजीली हमने इसको जो है यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसमें यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ये बना के दे रखा है, ठीक है, आपको बस इसको पुश करना होगा अगर आप इसको खोलना चाहते हैं, ठीक है। सिंपली बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस, जो आपको देख लेनी चाहिए खोलते टाइम, ठीक है। सो फाइनली हमने खोल ही लिया इसको, और काफ़ी मशक्कत के बाद हमने इसको खोला है। अब आपने एक चीज़ यहाँ पर और कर लेनी है, इसको कुछ भी छेड़ने से पहले, रैम पे कुछ भी करने से पहले, आपको ना इसकी बैटरी का जो है ना जो प्लग है उसको यहाँ पे अनप्लग कर लेना है, जहाँ पर भी इसकी बैटरी का प्लग होगा। मैं चेक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये रहा इसका बैटरी का प्लग, तो मैं हमेशा इसको बोलूँगा कि पहले इसको एक बार जो है अनप्लग कर लेना है, और ये भी हमको हटाना पड़ेगा अभी। तो पहले मैं इसकी बैटरी का जो है अनप्लग कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पे बैटरी को अनप्लग कर लिया है, काफ़ी इजीली, बस आपको इधर से ऐसे खींचना और ये पीछे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये स्टिकर हटाना है, ताकि इसके अंदर हम एक और रैम लगा सकें। ये रहा इसका रैम का स्लॉट, ये इसकी NVMe SSD है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये लगी यहाँ पर इसकी NVMe SSD। तो फिलहाल मैं यहाँ पर तो नहीं छेड़ रहा हूँ,
और ये रहा इसके लिए हार्ड डिस्क का एक स्लॉट। तो ये जो हार्ड डिस्क है उसको मैं सिंपली कुछ यहाँ इस तरीके से लगा दूंगा। तो अभी बताता हूँ किस तरीके से लगाना है। इस साइड से पोर्ट होगा या पता नहीं, इस साइड से देखते हैं अभी इसको कैसे लगाना है। इधर यहाँ पर ये रही मेरे पास रैम। सो ऐसे नहीं पकड़नी चाहिए वैसे कभी भी, इस तरीके से पकड़नी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। सिंपली बस आपने यहाँ पर रखना है इसको कुछ इस तरीके से, देख लेना ये जो लकीर सी दिख रही है इसको किस तरीके से रखना है। ठीक है, उसके बाद बस आपने कुछ नहीं करना है, इसको इस तरीके से लगा देना है अंदर, ये लेना है और बस इसको थोड़ा सा पुश करके आपको दबा देना है, ये अपने आप फिट हो जाएगी यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी इजीली हो गई फिट। दैट्स इट गाइस, हमारी जो रैम है यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। अब रही बात दोस्तों यहाँ पर हार्ड डिस्क की, तो मैं एक चीज़ यहाँ पर मिस कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर इन्होंने वो एक दिया नहीं यहाँ पर, जो मैं अगर यहाँ पर हार्ड डिस्क लगा भी देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो इन्होंने इंसर्ट करने के लिए पोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। तो कहानी दोस्तों ये है कि इसके लिए मेरे को एक और वो लाना पड़ेगा, इसका अडेप्टर, और तब मैं इसके अंदर इसको यहाँ पर इसको इस तरीके से इंसर्ट कर सकता हूँ। गाइस यहाँ पर हार्ड डिस्क तो नहीं लग पाई है। ठीक है, अभी फिलहाल जो मैं यहाँ पर अपना ना ऑन करके एक बार देख लेता हूँ कि रैम जो है वो, वैसे मेरा लैपटॉप ऑन हो गया, पहले ऑन हो नहीं रहा था, फिर मैंने एक बार दोबारा से रैम को निकाल के जो है लगाया, अभी ये ऑन हो गया। अभी फाइनली यहाँ पर अपना पासवर्ड वासवर्ड डालता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अपग्रेड हो गया है कि नहीं। यहाँ पर अपन लोग देख सकते हैं जो मेमोरी है करीबन 15 GB दिखा रहा है, यानी हमारी जो रैम है वो अपग्रेड यहाँ पर हो चुकी है। अभी सिंपली हम इसको वापस से एक बार जो है टर्न ऑफ कर लेते हैं पूरे पीसी को। अगर आपको इसके बेंचमार्क स्कोर वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको डेफिनेटली एक और वीडियो बना करके जो है उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करी, यहाँ पर आसूस दावा करता है अपने आसूस लैप टफ सीरीज के साथ में कि उनके जो ये पंखे वो फ़ैन जो है वो अपने आप यहाँ पर क्लीन होते हैं, बट अगर आप यहाँ पर क्लोजली देख पाएंगे तो ये इतने ज़्यादा क्लीन मुझे लग नहीं रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी मिट्टी है इनके अंदर देखा जाए तो, अगर पास से अगर आप देखेंगे तो। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा इनको भी क्लीन कर देता हूँ बार बार से ब्रश से। सो गाइस इस तरीके का ब्रश अगर आपके पास हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, और इसे काफ़ी ईजिली ये क्लीन भी हो जाता है। तो मैं इसको सिर्फ इस तरीके से जो है क्लीन कर देता हूँ फिलहाल के लिए, बहुत ज़्यादा हार्डली क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे है ना, ताकि थोड़ा क्लीन हो जाए लैपटॉप वापस से। खोला है तो बेसिकली हमें करना चाहिए, और अब मेरा फिलहाल जो है हार्ड डिस्क लगाने का वापस से कोई इरादा नहीं है। बाहर से एक एक्सटर्नली माउंट आता है, उसके थ्रू जो है आप हार्ड डिस्क इस पर लगा सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। जैसे कि मैं अभी तक इसमें इस्तेमाल कर ही रहा था, वैसे ही इस पर जो है मैं आगे भी इस्तेमाल करूँगा, मुझे इसमें भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है दोस्तों। सो गाइस ध्यान रहे बैटरी भी अपनी कनेक्ट करनी होती है। ठीक है, मैंने पहले ही कर ली थी, बस आपको कुछ इस तरीके से वापस से इसको आगे कर देना और ये कनेक्ट हो जाएगी। और मुझे बैटरी भी निकालनी पड़ी थी थोड़ी सी हार्ड डिस्क का, ये पूरा चेक करने के लिए कि कहीं नीचे कुछ ना हो। सो इसीलिए मैंने इसको भी एक बार निकाल के देख लिया था। अभी यहाँ पर जो है सिंपली मैंने इसकी जो स्टीकर थी उसको वापस लगाया है, और दैट्स इट गाइस, इतना ही हम लोग इसमें करेंगे। और सिंपली इसके बाद मैं इसके सारे जो स्क्रूज हैं उसको लगा देता हूँ। बस मुझे यही चीज़ अच्छी नहीं लगी इसमें कि कंपैटिबिलिटी का इशू है, कि पूरा ढक्कन हमें खोलना पड़ता है एक सिर्फ रैम को अपग्रेड करने के लिए। फाइनली दोस्तों हमने लैपटॉप एक बार फिर से ऑन कर लिया है, और अगर ये ट्रिक सीखनी है तो मैं बता दूंगा कि इसको ऊपर कैसे करना, क्योंकि विंडोज 11 में ये नया ऑप्शन आता नहीं है। ये ऊपर कैसे टॉप पे मैंने इसको डाला है, बाकी ये भी कुछ सेटिंग्स में कर रहा था इसमें तो अभी। बाकी मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह जो मेरे लैपटॉप के साथ में आई थी, और क्या मैंने इसके अंदर अब अपग्रेड किया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर रैम अपग्रेड किया है, ये करीबन 50% के ऊपर ही रहता था पहले, क्योंकि 4 GB के आसपास तो ये पहले से ही लेके रखता है। ठीक है, उसके साथ मैंने दोस्तों आपको बताया था कि आप इसके लिए एक हार्ड डिस्क के लिए अगर आपको नहीं डालना है, ठीक है, मैं अब जैसे कि मैं डालूंगा नहीं अब, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा। मेरे पास एक चीज़ पड़ी है दोस्तों जिसका मैं अब यूज़ करता हूँ ऐसे SSD या हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए। ये इस तरीके की एक साटा केबल दिखा देता हूँ मैं आपको, ये राइटर बढ़ा के इस तरीके का एक ये मेरे पास देखने को मिलता है, जो कि ये आता है कनेक्टर बेसिकली। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है मैं इसको अब कनेक्ट कर लेता हूँ, और साइड में जो है USB से ये माउंट भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका टाइप ए वाला जो है माउंट है, जस्ट मेरे को इस तरीके से लगाना होगा, और दैट्स इट गाइस। यहाँ से जैसे मैं इसको प्लग इन करता हूँ तो मेरा यहाँ पर जो है शो करने लगता है। देखिए मैं यहाँ पर इसको प्लग इन करूँगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आ गया मेरा नया ड्राइव। सो दोस्तों इस तरीके से काफ़ी ईजिली आप भी जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका इस माउंट का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, साथ ही में रैम का लिंक भी डाल दे रहा हूँ,
बाकी इसकी स्पीड वगैरह परफॉर्मेंस वगैरह को अगर आपको टेस्ट करके बताना है मुझे तो कमेंट करके बता देना, मैं ज़रूर से एक वीडियो बनाऊंगा इसकी अपग्रेडेशन के ऊपर जो कि यहाँ पर मैंने की है इसके ऊपर और उससे मुझे क्या परफॉर्मेंस में यहाँ पर बेनिफिट हुआ है। बाकी आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा दोस्तों, और इसी तरीके पीछे की और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ में इसी तरीके के और भी कमाल कमाल के वीडियो शेयर करता रहूँगा। बाय बाय, नमस्कार।